सो हेलो 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, बेसिक टू एडवांस लेवल की जो हमारी सीरीज चालू की है उसका ये है पार्ट थ्री। थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में आपको इतना बेहतरीन नॉलेज मिलने वाला है कि आपको ये नॉलेज पूरे यूट्यूब पर बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर देख लो, इस वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है वो अपना ट्रेडिंग टूल्स होने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आपको अवेलेबल होते हैं एंड ट्रेडिंग इंडिकेटर्स जो है वो बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो क्या क्या यूज कर लेना है आपको और किस किस का क्या क्या यूज है, ये सब आपको इस डिटेल वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है इतना आपको डिटेल में नॉलेज दे रहा हूं। वीडियो शॉर्ट भी बना सकता हूं, लेकिन डिटेल वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपके नॉलेज में भी इंप्रूवमेंट आए एंड हाँ, मुझे भी थोड़ी प्रैक्टिस और इंप्रूवमेंट हो सके। तो चलो, ट्रेडिंग टूल्स की बात करेंगे, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स की बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं, मैं जो पर्सनली ट्रेडिंग इंडिकेटर्स यूज कर लेता हूँ उसके बारे में। तो ये जो है, मैं पर्सनली जो इंडिकेटर्स प्रोवाइड करता हूँ या फिर जिसके बेसिस पर मैं टेलीग्राम पर सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ या फिर खुद के ट्रेडिंग पर जो इंडिकेटर यूज करता हूँ उसके रिलेटेड बात करेंगे हम वीडियो के एंड पे। उससे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग टूल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होंगे, लेकिन इसमें से भी कुछ बेसिक से है जो कि हम अपने मतलब चार्ट्स पर कंटिन्यू यूज करते हैं या फिर हमें यूज करना चाहिए, आपको भी यूज करना चाहिए, तो उसके रिलेटेड बात करेंगे। और पूरा एक्सप्लेनेशन तो दे ही दूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जैसे कि सॉरी गाइस, जैसे कि हम ट्रेंड लाइन तो आप सबको पता है, ट्रेडर हो तो आप सबको पता होगी। तो ट्रेंड लाइन किस तरीके से यूज कर लेनी है, क्या कर लेने हैं, कितने पॉइंट्स मिनिमम हमारे ट्रेंड लाइन में होते हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर कैसा ट्रेड करना है, क्या करना है, इसके लिए आप ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हो। तो आपको सबका डिटेल में नॉलेज देता हूँ। सबसे पहले आपको आर्क यूज कर सकते हो। आर्क में अगर आप देखोगे, अगर सपोज सपोज आपको इतने मार्केट मतलब यहां से देखो, अभी यहां से जो मार्केट स्टार्ट होता है, एक मिनट, यहाँ पर एंड पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो, और उसके अकॉर्डिंग समझो इस लेवल पर और समझो इस लेवल पर हम आर्क देख रहे हैं। तो किस तरीके से यूज करेंगे, कहाँ हमें सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ, और ये टूल्स इतने बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ होते हैं कि आपको कोई कोई रॉकेट साइंस यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये आर्क वगैरह यूज करोगे तो भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं जो पर्सनली आपको प्रेफर करूंगा वो तो दो तीन ही टूल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड मतलब ट्रेड ले सकते हो। तो सबसे पहला है हमारा वर्टिकल लाइन, जो कि हमें अभी सपोज यहां से मुझे मार्केट आगे देख लेना है, इसके आगे ही मैं प्राइस पर ट्रेड लूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है वो हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। तो हम ट्रेंड लाइन किस तरीके से यूज करेंगे, क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी ट्रेंड लाइन डिसाइड हो सकती है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सपोज, वेट एक मिनट, में पहले तो पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ कुछ। ओके, चलो, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग में किस तरीके से ट्रेड करूंगा। एंड हाँ, इन सबके आप कलर भी चेंज कर सकते हो, थिकनेस भी चेंज कर सकते हो जितनी चाहिए आपको, तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। देन मेरा थर्ड जो फेवरेट है वो है हमारा, कहा गया पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो चलो, ये हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स का एनालिसिस करने के लिए इजी होता है। जो मेरे फेवरेट्स है, जो मैं यूज करता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो आप खुद भी यूज कर सकते हो, आप इजी है, बहुत इजी है। देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं भी यूज करता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इस रिट्रेसमेंट के बारे में आपको एक डिटेल में वीडियो जरूर लाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर देख लो प्राइस वगैरह सब कुछ किस तरीके से आपको एनालिसिस हो रही है। अगर सपोज मुझे यहाँ से इधर से नीचे ही मार्केट एनालिसिस करना है या फिर इससे आगे मार्केट एनालिसिस करना है, तो उस लेवल्स के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। तो कौन सा, यहाँ पर आप पॉइंट्स वगैरह आप देख सकते हो कितना डिटेल में बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेके आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। देन जो है वह इतने देखो, अभी कितने पॉइंट्स हुए, यहाँ पर वर्टिकल लाइन हुई, ट्रेंड लाइन हुई, और रेक्टेंगल भी कभी कभी यूज होता है। उससे अच्छा रेक्टेंगल से अच्छा गाइस प्राइस ये मतलब प्राइस रेंज है। प्राइस रेंज हमें क्या बताता है कि अब अभी सपोज यहाँ से मुझे इस लेवल के बीच में ही मुझे प्राइस देख लेनी है। सपोज ये मेरा रेजिस्टेंस हुआ एंड ये मेरा हुआ सपोर्ट, तो इसके बीच में ही मुझे प्राइस देख लेनी है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड करूंगा।
वो भी बहुत यूजफुल टूल है। एंड यहाँ पर फ्लैट बॉटम ये भी कभी कभी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर यूज करने वाले दो तीन ही पॉइंट्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड कर लेना। तो ये तो हुए मेरे फेवरेट, जो कि हुआ ट्रेंड लाइन, हुआ वर्टिकल लाइन, हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, हुआ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हुआ एंड फिबोनाची फैन। ये मेरे पांच जो है वो मेरे पर्सनल फेवरेट है, जिसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ। एंड फिबोनाची के आपको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो या फिबोनाची फैन हो, उसके आपको बहुत सारे यूट्यूब पर भी वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरीके से यूज कर लेना है एंड क्या कर लेना है। तो ये तो पार्ट हुई टूल्स की। तो टूल्स में ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि अपने पांच जो मैंने बताए, और गैन बॉक्स भी है गाइस, ये भी हमें प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने के लिए हेल्प करता है। एंड इतने तो हो गए अपने, चलो ये तो हमारे टूल्स हो गए, कि इस पांच छह टूल्स हैं जो कि मैं पर्सनली आपको रिकमेंड भी करता हूँ और आप यूज भी कर सकते हो आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। तो ये तो हुआ हमारा इसका क्या बोलते हैं यहाँ पर टूल्स का पार्ट। तो ये सब मैं पहले तो डिलीट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद जो है वो हम जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में आपको दो मेरे पर्सनल जो मैं यूज करता हूँ उसकी सेटिंग एंड उसके पॉइंट्स बताऊंगा। उससे पहले आप देख लो, यहाँ पर एलिगेटर है, बॉलिंजर बैंड से, इसकी भी एक्यूरेसी गाइस बहुत अच्छी है, और ये पर्सनली भी मैं कभी कभी यूज कर लेता था। पहले जब मैं न्यू न्यू था तब मैं इसको यूज करके अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट करता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर आपको इंडिकेटर सेक्शन मिलेगा। इंडिकेटर सेक्शन में भी मैं कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको बता रहा हूँ, जो कि मतलब इंडिकेटर्स है, वो अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ भी आते हैं एंड अच्छी खासी उसकी एक्यूरेसी है। तो चलो, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट बॉलिंजर बैंड, जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। डॉन्चिन चैनल और बॉलिंजर बैंड ऑलमोस्ट सेम है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। देन जो है सेकेंड जो है फेवरेट, वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, मूविंग एवरेज आप 100 हो चाहे 200 हो, यहाँ पर आप कितना भी सेट करके यहाँ पर आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। मैं खुद पर्सनली 200 मूविंग एवरेज ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेंड एनालिसिस मिलता है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, अगर कोई भी चार्ट उठा के देखो वहां पर मुझे ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए मूविंग एवरेज का यूज होता है। देन गाइस, यहाँ पर मूविंग एवरेज के बाद जो है वो पैराबोलिक सार भी है, जो कि अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ आप यूज भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके आप अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आपके ट्रेडिंग में कर सकते हो। पर्सनली मैं खुद रेकमेंड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है, ऐसा नहीं, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे इंडिकेटर यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन जो आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, जिसके एक्यूरेसी ऑलमोस्ट मतलब 80% 70% से ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट तो हो गया बॉलिंजर बैंड, सेकंड अपना हो गया सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज एंड पैराबोलिक सार। इन तीनों में, इन मतलब फर्स्ट इसमें आपको ये चार में रिकमेंड कर देता हूँ। एंड बात तो आ गई तो मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स की, जो कि मैं यूज करता हूँ एंड काफी टाइम से मैं इस पर यूज कर रहा हूँ। तो ये है मैकडी, मेरा पर्सनली फेवरेट और ऑल टाइम फेवरेट इंडिकेटर। मुझे क्यों कहता हूँ इसको, इसकी एक्यूरेसी क्या है, ये सब वीडियो आपको डिटेल में हमारे चैनल में मिल जाएगी। मैंने मैकडी पर वीडियो बना के रखी है, उसका यूज कैसे करना है, क्या करना है, उस सब का डिटेल मैंने वहां पर प्रोवाइड किया है। लेकिन मैकडी की मैं जो सेटिंग रखता हूँ वो है 10, 24 और 7। तो ये जो सेटिंग है वो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड करता हूँ। एंड टेलीग्राम पर भी ऑलमोस्ट आपने देखा होगा, मैकडी के अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। तो ये तो हो गई मैकडी। देन मेरा जो सेकंड फेवरेट इंडिकेटर है वो है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर मेरा फेवरेट क्यों है, यहाँ पर तो मैं पहले मैकडी हटा देता हूँ। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर मेरा फेवरेट इंडिकेटर क्यों है, क्योंकि इसकी अगर आप थोड़ी भी यहाँ पर के टाइम कम करोगे तो आपको फास्टर सिग्नल्स मिलेंगे। और हम क्या करते हैं, बाइनरी ट्रेडिंग जब हम इंप्लीमेंट करते हैं या चार्ट पर ये करते हैं, तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा ट्रेड लेते हैं। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट्स हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग के लिए मैंने यहाँ पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का यूज करता हूँ, हर टाइम यूज करता हूँ, आपने बहुत बार देखा होगा। देन जो है ऑसम ऑसिलेटर, ये भी मैं कई बार यूज कर लेता हूँ, क्योंकि जो है उसके साथ जो हमें क्रॉसओवर मिलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, तो यहाँ
पर परफेक्ट क्रॉसओवर, कितना अच्छा मार्केट मूवमेंट आया था। अगर आप यहाँ पर देखोगे डाउन ट्रेंड, यहाँ से देखो कितना अच्छा एक डाउन ट्रेंड मिला, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। एंड ये जो नीचे वाले तीन जो मैंने बताए हैं वो तो मेरे पर्सनल फेवरेट है, यहाँ पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर हुआ और मैग्डी हुआ। एंड अगर इसके और भी मतलब आगे जाओगे, आप पर्सनली आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके चार्ट पर और देख सकते हो। और RSI एक हुआ जो कि अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ आता है, मार्केट का मूवमेंट हमें दिखाई देता है RSI के थ्रू, एंड बहुत सारी मतलब चीजें जो है वो RSI हमें प्रोवाइड कर लेता है। सॉरी यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इशू है इसलिए वीडियो थोड़ा लैग हो रहा होगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आपको नॉलेज जो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब डिटेल्स मिलने वाली है। तो यहाँ पर देख लो बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है। एंड जो है वो एक मिनट में आपको मेरा जो है पर ट्रेडिंग का सेटअप जो है वो मैं पूरा आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं मैग्डी इंप्लीमेंट करूंगा, मैग्डी की सेटिंग दो दो से कम कर दूंगा। तो ये तो हुआ एक मिनट मैग्डी, ये सॉरी गाइस नेटवर्क की वजह से यहाँ पर थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है। स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर की सेटिंग में रखता हूँ 8 एंड 3 3। ओके यहाँ पर मेरी ये हो गई स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर, और इसकी सेटिंग में कर लेता हूँ यहाँ पर 80 और यहाँ पर 20। तो ये तो होती है मेरी स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर की सेटिंग, और ये होती है मेरी मैग्डी की सेटिंग। और ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए मैं मूविंग एवरेज का यूज कर लेता हूँ, 200 मूविंग एवरेज मेरा ट्रेंड एनालिसिस के लिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पर कलर में चेंज कर देता हूँ। चलो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही मेरा ट्रेड होता है। एंड इसके अकॉर्डिंग ही आप सबको जो टेलीग्राम पर सिग्नल्स मिलते हैं वो सब इसके अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से क्रॉसओवर्स होते हैं या कुछ भी होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको टेलीग्राम पर सिग्नल्स मिलते हैं। और अगर बात करें डिटेल में तो यहाँ पर टूल्स में मैं ज्यादातर यूज कर लेता हूँ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन होने के बाद यहाँ पर फिबोनाची फैन, ये दो जो है मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स है, मतलब टूल्स है ट्रेंड लाइन एंड फिबोनाची फैन। तो चलो ये तो हुई हमारी कुछ टूल्स एंड इंडिकेटर की वीडियो। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एंड हाँ टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाना है, जहां पर हम डेली सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ हमारे यहाँ ट्रेडिंग मतलब डेली लोग प्रॉफिट बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कभी प्रॉफिट नहीं बनाया है, कंटिन्यू हमारा हफ्ते में कभी कभार लॉस होता है, हम लॉस भी एक्सेप्ट करते हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। लेकिन 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 जो लोग टेलीग्राम पर ज्यादा मतलब डेली अर्न करते हैं उनके फीडबैक्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो चलो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से वीडियो में। मैं टूल्स का वीडियो और इंडिकेटर्स का वीडियो किस तरीके से लगा, मेरा फेवरेट सेटअप जो है वो आपको कैसा लगा, पूरा डिटेल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना है। एंड हाँ बेसिक टू एडवांस लेवल के ऐसे ही नॉलेजेबल और डिटेल वीडियो के टाइम टेबल के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहां पर मुझे आपको शेड्यूल पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। एंड हाँ चलो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।